ओल्ड एज पेंशन जो मिल रही थी बुजुर्गों को वो पिछले 4 महीने से बंद कर रखी है, पिछले 5 सालों से नई पेंशन बनाई नहीं गई है, उसके ऊपर रोक लगाई हुई है। हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को 11 अक्टूबर 2022 को हमने उनसे मुलाकात की और हमने कहा कि इस मामले में दिल्ली के ऑनरेबल एलजी दिल्ली सरकार को डायरेक्शन दें कि जो पेंशन रोक दी गई है वह पेंशन सीनियर सिटीजन्स को दिल्ली की सरकार जल्दी से जल्दी उनके खाते में डलवाए और नई पेंशन के ऊपर जो रोक लगाई हुई है और अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के चुनाव से पहले वायदा किया था कि हम 5 लाख बुजुर्गों को नई पेंशन देंगे, लेकिन 2018 से लेकर आज तक एक भी किसी वरिष्ठ नागरिक को नई पेंशन नहीं दी गई है, रोक लगाई हुई है। जब हम दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिले, उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से इसकी जानकारी मांगी और दिल्ली सरकार ने जवाब दिया है कि इसका फैसला दिल्ली का मंत्रिमंडल करेगा और उचित समय आने पर करेगा। तो हमारा ये कहना है कि क्या ये फैसला 2025 में करेगी अरविंद केजरीवाल की सरकार? जब विधानसभा का चुनाव होगा तब उचित समय होगा। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 2 जनवरी 2023 को सभी भाजपा के विधायक अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर धरना लगाएंगे और वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ होंगे और हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जो ये वरिष्ठ नागरिकों की जो पेंशन बंद की है वह उनको मिल नहीं जाती है और नई पेंशन लगभग जो 5 लाख सीनियर सिटीजन्स को देनी है उन सभी को यह पेंशन अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से नहीं उपलब्ध करा दी जाती है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा।